सुप्रभात बच्चों, आज हम हिंदी में देवी का रंगाचार्य द्वारा लिखित पाठ रवि का सुधार कक्षा छठवीं भाषा मंजिश लिया गया है, उसको हम पढ़ेंगे। प्रस्तुत शीर्षक रवि का सुधार, इसमें रवि एक बालक है जो कि बहुत ही शरारती, नासमझ, अपने तथा आस पड़ोस में गंदगी फैलाने वाला बालक है। यह कहानी का घटनाक्रम पूरी तरह इसी पर चलता है। तो अब कहानी आरंभ करने से पहले इनके प्रमुख पात्रों को हम देखेंगे। इनमें प्रमुख पात्र है, देखिए कौन है, रवि। रवि कैसा बालक है? रवि बहुत ही शरारती, नासमझ, गंदगी फैलाने वाला बालक होता है। और अगला लेखक देखिए कौन है पात्र, ये लेखक। लेखक कौन है? रवि के चचेरे भाई जो शायद एक लेखक है। और अगला पात्र कौन है? श्री सिन्हा। श्री सिन्हा लेखक के पास में रहने वाले पड़ोसी जो एक प्रधानाध्यापक है। तो अब कहानी का आरंभ और रवि का शरारत हम शुरू करते हैं। रवि गर्मी छुट्टी बिताने के लिए उसके चाचा के घर आते हैं। चाचा के दो बेटे रवि के ही हम उम्र के होते हैं, जिसके कारण वो तीनों बालक आपस में खेलते हैं और गर्मी छुट्टी का मजा लेते हैं। इसी दौरान रवि का शरारत सुधरता है। वो खाने के टेबल से एक सेब उठाता है और वह दो भागों में विभाजित कर टुकड़े करके वो खिड़की के बाहर बगीचे में फेंकता है। बगीचे में फेंकने का कारण उनके दोनों भाई पूछते हैं तो कहता है कि यह सेव बगीचा में और अधिक पनपेगा और उगेगा। तो बच्चों आप ही लोग बताइए, सेव का टुकड़ा क्या बगीचा में और अधिक पनपेगा, पौधा नया उगेगा? नहीं ना। तो इसी तरह इसकी हरकतों से दोनों भाइयों को पसंद नहीं आता है। फिर इसी तरह कुछ देर होता है कि रवि फिर उनका शरारत शुरू हो जाता है। वह फिर खाने के टेबल से केला उठाकर खाता है और वह छिलका को खिड़की से बाहर फेंक देता है, खिड़की से बाहर सीधे सड़क पर उछाल देता है। फिर आगे का दृश्य क्या होता है वही देखने के लिए रवि खिड़की के पीछे वो छिप जाता है। आप ही लोग बताइए बच्चों, छिलका सड़क पर फेंकने से क्या होता है? तो यही दृश्य आगे क्या होगा इसी का मजा लेने के लिए वह नीचे छिप कर बैठता है कि तभी श्री सिन्हा जो लेखक के पड़ोसी हैं, एक प्रधानाध्यापक जी है, वो वही रास्ते से होकर गुजरते हैं। केले के छिलके प्रधानाध्यापक के पैर पर पड़ते ही वहीं पर वो भ्रम से गिर जाते हैं। गिरते ही रवि वही दृश्य देखना चाहता था, वह बहुत जोर से लोटपोट होकर हंसता है। इसकी हंसी को देखकर वे दोनों भाइयों को पसंद नहीं आता है। वे रवि को कुछ नहीं कह पाते हैं क्योंकि रवि दोनों भाइयों से उम्र में बड़ा है। इस कारण वे मन महसूस होकर शांत हो जाते हैं। इसी तरह रवि का हरकत अपने हरकतों से बाज नहीं आता है। कुछ देर वह क्या करता है, घर के जो भी कूड़ेदान रखा हुआ था उस कूड़े को उठाकर वह घसीटते हुए स्त्री खाना के अहाते अर्थात आंगन में वो क्या करता है, उछाल कर फेंक देता है, जिसके कारण लेखक की माँ और मिसेस खन्ना की पत्नी के साथ दोनों का खूब झगड़ा होता है। झगड़े को देखकर रवि को बहुत आनंद आता है। इन हरकतों को देखकर उनके दोनों भाई को फिर अच्छा नहीं लगता है और रवि के कमरे में भी जो कूड़ा कचरा फेंकने के लिए रखा गया था कूड़ेदान, उसको भी रवि फुटबॉल की तरह प्रयोग करने लगता है, जिसके वो देखकर भी रवि को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है उनके दोनों भाइयों को। इस तरह एक दिन अचानक ये श्री सिन्हा साहब अपने बच्चे के जन्मदिन की पार्टी देने का निमंत्रण लेकर आते हैं। रवि को जब इसकी खबर मिलती है तो वह बहुत खुश होता है। वह भी अपने स्वजन अर्थात चाचा चाची के साथ तैयार होकर वह पार्टी में चला जाता है। पार्टी में भी रवि की हरकत देखने को मिलता है। वहां पर पार्टी आरंभ होता है। तरह तरह के मिष्ठान भोजन, स्वादिष्ट पकवान,
टेबल में सजे सजाए हुए रहता है, तो रवि क्या करता है, सभी मिष्ठान भोजन हुआ खाता है, चखता है और इसी तरह वह फेंकता है। इस तरह की हरकतों को देखकर फिर दोनों भाइयों को पसंद नहीं आता है। अब पार्टी समाप्त हो जाता है, वे तीनों अपने घर सपरिवार अपने प्रियोजनों के साथ में वापस घर को आते हैं। तो ये सीधा सा तीनों बच्चों को चॉकलेट का डब्बा उपहार में देते हैं और वे अपने घर वापस आ जाते हैं। तो आप लोग समझ गए बच्चों, स्पष्ट हो गया यहाँ से रवि का जो शरारत था वो घटनाक्रम। तो फिर क्या होता है बच्चों, हम आगे देखते हैं। उनकी इस हरकतों पर दोनों भाई बहुत ही परेशान हो जाते हैं। इस तरह से दोनों भाई योजना बनाते हैं, जिस तरह रवि दूसरों को परेशान करता है वह सब कुछ रवि के ऊपर में ही वही फार्मूला अर्थात तरकीब अपनाने की सोचते हैं। योजना के तहत एक दिन लेखक और उसका छोटा भाई घूमने के लिए निकल पड़ते हैं शाम के समय। योजना के तहत उसका लेखक का छोटा भाई झाड़ियों में छुपा हुआ रहता है निश्चित स्थान पर। रवि और लेखक दोनों निकल पड़ते हैं, जो में उस स्थान पर वे लोग गुजरते हैं कि उसका छोटा भाई लेखक का सीधे टमाटर उनके चेहरे पर फेंकता है। अचानक टमाटर चेहरे पर रवि के आने पर वह बहुत क्रोधित हो जाता है और वह कहता है, किसकी हिम्मत हुई जो मेरे चेहरे पर टमाटर फेंकने की। लेकिन वहां पर लेखक अपनी हंसी को रोकते हुए वह कहता है, यह जरूर ही सिन्हा साहब का काम है, क्योंकि वह अपने बगीचे में पोषण दे रहा था, शायद सिन्हा साहब का निशाना चूक गया और टमाटर आपके चेहरे में आ गया। इस तरह से रवि अपने गुस्से को पी जाता है। फिर इसी तरह वे लोग फिर आगे घूमने के लिए निकल जाते हैं। फिर क्या होता है, सड़क पर कुछ ही दूर पर चलने पर रवि का पैर ये केले के छिलके पड़ते ही बीच सड़क में वह धाम से गिर जाता है, जिसको देखकर लेखक उसके चचेरे भाई की हंसी नहीं रुकती है। फिर भी वह कहता है कि यह तेरी ही तरह किसी की शरारत सूझी होगी जो सड़क छोटा पड़ता है सड़क को और बड़ा बनाने के लिए। इस तरह से रवि फिर उठता है। फिर वह कुछ क्षण मौन होकर वे लोग घर वापस जाने की सोचते हैं कि सड़क के मोड़ पर कुछ आवारा कुत्तों का झगड़ना देखते हैं। पास आने पर पता चलता है वहां पर रवि का बहुत ही प्रिय मन पसंद निकर के ऊपर कुत्ते लोग छीना छपटी कर रहे हैं। पास जब वे देखते हैं रवि सारे कुत्तों को भगाता है तो पता चलता है कि वहां उस निकर में चॉकलेट का बिखरा हुआ अभी भी गंदगी लटका हुआ है। तो उसका भाई चचेरे भाई उसको हंसते हुए कहता है, अरे यह क्या, आज तो हवा भी खूब जोर से चलती है, रस्सी से आप मैंने तेरा निकर नीचे गिर गया होगा, जिसके कारण वैसे भी निकर गंदा से चॉकलेट से लथपथ है, तो ये तो स्वाभाविक है आवारा कुत्तों का झगड़ना। इस तरह से वे लोग वापस घर आते हैं। वो कमरे में सीधे चला जाता है रवि और वहां पर वह बहुत जोर जोर से रोता है और कहता है कि आज का दिन बहुत ही खराब है, मैं क्यों घूमने चला गया। इस तरह से वह जब पलंग पर बैठता है, योजना के तहत पलंग में भी बबलगम उसका छोटा भाई चिपकाए हुए रहता है और सीधे रवि का जो पतलून है उसमें बबलगम चिपक जाता है, जिससे रवि जोरों की चीख निकालता है और उस बबलगम को छुड़ाने की कोशिश करता है, जिससे वह बहुत परेशान हो जाता है। इसी तरह कुछ ही देर में स्त्री सिन्हा साहब जो उनके पड़ोसी हैं वो क्रोधित होकर चिल्लाते हुए आता है, रवि किधर है, मेरे नौकरों के द्वारा देखा गया है कि यह खिड़की से बाहर कचरा फेंकते हुए और जो भी कूड़ादान जब चॉकलेट का डब्बा है सारा कूड़ा मेरे खिड़की से फेंक दिया है। इस तरह से सिन्हा जी कहते हैं और रवि को खूब डांट मिलता है। उसके चाचा चाची भी रवि से रुष्ट हो जाते हैं। इस तरह उसको समझाया जाता है। अंत में रवि भी अपने किए हुए सभी शरारतों को वह मनन चिंतन करता है और वह
थे, जो भी शरारत किया, खुद में भी वो घटना बीती, ये सब सोचकर वह रवि बदल जाता है। इस तरह से गर्मी की छुट्टी भी समाप्त हो जाती है। उसके दोनों भाई उसको उपहार स्वरूप एक बेंत का कूड़ादान देते हैं। रवि सहर्ष उसको स्वीकार करता है मुस्कुराते हुए और कहता है कि यह मेरे कमरे में और पनपेगा। इस तरह से रवि उनके सामने पहले का रवि ना होकर एक बदला हुआ रवि था। तो बच्चों कहानी समाप्त हो जाता है। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपने शरारतों द्वारा किसी को परेशान नहीं करना चाहिए और अपने तथा आस पड़ोस में साफ सफाई रखना चाहिए। इसी में हमारी तथा दूसरों की भी भलाई है।